छतरपुर जिले के खजुराहो थाना क्षेत्र के अकोना गांव में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब युवक का शव खेत में रखे भूसे के ढेर में दफन मिला। शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। FSL टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। मृतक के सिर में गंभीर चोटें बताई गई हैं जिस कारण से उसके परिजनों ने हत्या का संदेह जाहिर किया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पंचनामा कार्यवाही के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। खजुराहो SDOP डॉक्टर सलिल शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को प्रातः करीब 7 बजे अकोना गांव से सूचना मिली थी कि गांव के ही लक्ष्मण कुशवाहा उम्र 30 वर्ष का शव एक खेत में रखे भूसे के ढेर में दफन मिला है। उक्त सूचना मिलने के बाद खजुराहो थाना प्रभारी अतुल दीक्षित दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मृतक के सिर में गंभीर चोटें हैं जिस कारण से परिजनों को हत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है, जल्द ही मामले का खुलासा होगा। आज प्रातःकाल एक अज्ञात मृतक का शव प्राप्त होने की सूचना अकोना गांव में प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी के द्वारा उसको चोट पहुँचा करके उसकी हत्या की गई है। प्रकरण में शून्य पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। FSL टीम को सूचना दी गई है जो अभी पहुंचने वाली है। संदेहियों की तलाश में ऐसा जिनको रात्रि में अंतिम समय में उसके साथ देखा गया, उन संदेहियों की तलाश में पुलिस टीम रवाना की गई है और जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती है मैं आपको। और प्रथम दृष्टया संदेह है कि उसमें मर्डर हो सकता है, तो हमारी टीम SDOP थाना प्रभारी वहीं पर हैं और जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। मैं उम्मीद है कि हम शीघ्र ही इस केस को रिजॉल्व कर लें।